हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज है भसान। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे माँ सरस्वती की मूर्त है दोस्तों, और इसको हम लोग अब ट्रैक्टर पर लादने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये बच्चों सब पहले यहाँ पे अपना अपना सेल्फी लेने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। सबसे पहले ये सेल्फी लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे मूर्ति उठ जाए दोस्तों, अब जो ट्रैक्टर पर उसको लादेंगे हम सभी सब मिलकर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे पंखा में टकरा गया है, अब इसको आराम आराम से नीचे रखा जाएगा। बस आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे। और दोस्तों हम लोग इसको मिलकर यहाँ पे ट्रैक्टर पर लाद दिए दोस्तों। अब फिर यहाँ से निकलेंगे, अब यहाँ से निकलेंगे दोस्तों, वहाँ पे डीजे चालू करवाएंगे दोस्तों। उसके बाद में सबको नाचते गाते सब ऊपर जाएंगे भसान में। अब यहाँ पे चालू हो गया है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे यह देख लीजिए, यहाँ पे ऑटो लग चुका है दोस्तों। यहाँ पे रोड पे चढ़ाने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे सब कोई मिलके इसको धाका देने का दोस्तों यह चढ़ा चुका है। अब यहाँ पे रोड पे आ गए दोस्तों, और यहाँ पे सभी कोई बैठ चुका है ट्रैक्टर पे, और बाकी ये सब जो है नाचने के लिए नीचे खड़े हुए है। सभी कोई नाचेंगे डीजे पे। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डीजे आ गया दोस्तों, यहाँ पे रोड पे। फाइनल दोस्तों यहाँ पे सभी को नाचने के लिए गया। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सभी को कितना मस्ती से नाचने लगे हुए दोस्तों। यहाँ पे गाना चेंज करा के सबको भोजपुरी मूड है दोस्तों, और यहाँ पे भोजपुरी गाना पर ही नाचेंगे सबको। तो आप लोग देखते रहिए प्रेम से दोस्तों। हम लोग पूजा करते हैं इंडिया में दोस्तों, और भसान करते हैं नेपाल में। तो चलेंगे दोस्तों, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी के बाद में दोस्तों नेपाल, नेपाल का बॉर्डर दोस्तों, और नेपाल के पिछड़ा में हम लोग भसान करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे इंडिया में पूजा होता है, नेपाल में भसान होता है। दोस्तों यहाँ पे मेन रोड में हम लोग चढ़ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे मेन रोड पे आ गए हैं, और यहाँ पे मेन रोड से पकड़ के चलेंगे सीधा नेपाल में दोस्तों। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, ज्यादा ही होगा लेकिन हम कम बोले गए दोस्तों। और हम लोग यहाँ से नाचते नाचते चलेंगे दोस्तों, और भसान करेंगे नेपाल में। और आप लोग देखते रहिए दिल थाम के आराम से, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों आगे ब्लॉग में। और दोस्तों हम लोग लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं दोस्तों, पैदल ही। सबको थकान हो गया दोस्तों, बहुत कोई थक गया है दोस्तों। यहाँ पे सबको थकान महसूस हो रहा है क्योंकि काफी ज्यादा दूरी पर आ गए हैं दोस्तों। और यहाँ पे चढ़ाई है क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई पे पुल है दोस्तों, तो इसको चढ़ने के बाद में अब जाएंगे। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये झरावखर का बॉर्डर है दोस्तों, और आगे यहाँ पे पोखरा दिखाई दे रहा है, बड़ा सा पोखरा दिखाई देगा दोस्तों, और इसी में भसान होने वाला है। और ये बॉर्डर नेपाल का कैंप है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया का कैंप, यहाँ से भीतर में नेपाल है दोस्तों। और ये और दोस्तों यह है पोखरा, काफ़ी लंबा चौड़ा है दोस्तों, और इसी में भसान होगा दोस्तों। दोस्तों ये नेपाल में है दोस्तों ये पोखरा। होते
फ्रेंड्स ये देख रहे हैं ये क्या है, ये इमली है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए पूरा गाछी है दोस्तों, यहाँ पे सभी कोई इमली खा रहा है, मजा ले रहा है दोस्तों। यहाँ पे इमली कंचा है दोस्तों, अभी देख लीजिए भसान करके सभी कोई आ रहा है। यहाँ पे रास्ते में इमली का पेड़ दिखा है दोस्तों। लगभग यहाँ से हम लोग को कोचिंग के पास से 10 किलोमीटर दूरी पे नेपाल के अंदर में जाके भसान किया गया है दोस्तों, और हम सभी कोई पैदल ही यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। अभी एक गाड़ी आया था जिसपे बच्चा सब गया है, अभी फिर आने वाला है दोस्तों। और काफ़ी अंदर वहाँ पे देख लीजिए सब आ रहा है दोस्तों, हाला करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे जितना भी बच्चा सब है दोस्तों सब आ रहा है, काफ़ी पीछे है दोस्तों। और हम सब जा रहे हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।